फंक्शंस एंड लिमिट्स चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन पार्ट टू। ठीक है, इंट्रोडक्शन पार्ट टू में हम टाइप्स ऑफ फंक्शंस को डिस्कस करेंगे कि फंक्शंस की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। ठीक है, पहले हमने इंट्रोडक्शन पार्ट वन में फंक्शंस को देखा, फंक्शन होते क्या हैं, ठीक है, उनको लिखा कैसे जाता है, उनके ग्राफ्स कैसे ड्रॉ किए जाते हैं, ठीक है, उसके कॉन्सेप्ट को समझा। और अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस, फंक्शंस के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, एक टाइप अलजेब्रिक फंक्शन उसको कहा जाता है। ठीक है, अलजेब्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन। अच्छा, अलजेब्रिक फंक्शंस में क्या क्या आता है? एक तो अलजेब्रिक फंक्शंस आर दोज फंक्शन विच आर डिफाइंड बाय अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मतलब कि कोई भी अलजेब्रिक, अलजेब्रा आपने पहले पढ़ा ही होगा, ठीक है, उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कोई भी आप फंक्शन देखें तो वो अलजेब्रिक फंक्शन होगा। ठीक है, मतलब कि एक्स में एक्स उसमें वेरिएबल होगा या कोई सा भी वेरिएबल उसमें शामिल होगा। ठीक है, तो जिस तरह एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जिस तरह हमने इंट्रोडक्शन पार्ट वन में देखा, वो भी एक अलजेब्रिक फंक्शन था। या फिर पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स हो जाए, या कोई भी इस तरह का फंक्शन जिसमें कोई ना कोई वेरिएबल इस तरह से इन्वॉल्व हो रहा हो, ठीक है, तो वो अलजेब्रिक फंक्शन बन जाता है। अच्छा, अलजेब्रिक फंक्शन में मज़ीद टाइप्स आती हैं। एक होता है पॉलीनोमियल फंक्शन, ठीक है, पॉलीनोमियल फंक्शन। अच्छा, पॉलीनोमियल फंक्शन कौन सी होती है के जिसमें पॉलीनोमियल इन्वॉल्व हो, मतलब के लेट्स सपोज पी ऑफ एक्स इक्वल टू ए एन एक्स पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स पावर एन माइनस टू एंड सो ऑन। ठीक है, मतलब के साथ में ये एक्स की वैल्यूज़, मतलब कि पावर जो है वो चेंज होती जा रही है, हो सकता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस कांस्टेंट आ जाए, ठीक है, या फिर फॉर एग्जांपल हो सकता है पी ऑफ एक्स इक्वल टू टू एक्स पावर फोर माइनस टू एक्स थ्री एक्स प्लस वन। सही है, तो ये एक पॉलीनोमियल मैंने फंक्शन जो है वो लिखा है, सही है, जिसमें वेरिएबल्स जो हैं एक्स जो है वेरिएबल है उसकी पावर्स में चेंज आ रहा है, फोर है फिर थ्री है फिर वन है फिर इस तरह से कोई भी हो सकती है। ठीक है, तो ये एक पॉलीनोमियल फंक्शन है। अच्छा, पॉलीनोमियल फंक्शन के अलावा अगर इस पॉलीनोमियल की पावर को अगर हम वन कर दें, सही है, मतलब कि डिग्री जो है डिग्री ऑफ, अब इसमें डिग्री की बात करें कि इस पॉलीनोमियल की डिग्री क्या है, इस पॉलीनोमियल की मतलब कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, डिग्री क्या होता है वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। इस पॉलीनोमियल में, इस फंक्शन में वेरिएबल कौन सा है, एक्स यूज़ हो रहा है, सही है, तो उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, फोर है। ठीक है, तो इस पॉलीनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री इज़ इक्वल टू फोर है, सही है, तो मतलब कि इस पॉलीनोमियल की डिग्री हमने देख ली कि किस तरह से देखी जाती है कि डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। अच्छा, अब अगर डिग्री जिसमें वन हो, जिस पॉलीनोमियल की डिग्री वन हो, तो उस फंक्शन को क्या कहते हैं, लीनियर फंक्शन। ठीक है, लीनियर फंक्शन। पॉलीनोमियल तो हमने देख लिया क्या होता है, अगर किसी पॉलीनोमियल की डिग्री वन हो वो क्या कहलाती है, लीनियर फंक्शन। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। देखें, ये एक पॉलीनोमियल मैंने लिखा है, ठीक है, जिसमें एक्स वेरिएबल इन्वॉल्व है, सही, तो उसमें अब देखें तो एक्स की पावर कितनी है, वन है, सही है, और ग्रेटेस्ट पावर भी इसमें वन ही है, वन से ऊपर है ही नहीं है। ठीक है, तो ये ऐसी पॉलीनोमियल है जिसमें डिग्री, जिसकी डिग्री वन है, सही है, तो जिस पॉलीनोमियल की डिग्री वन हो वो लीनियर फंक्शन कहलाता है, सही है, तो फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स प्लस फोर, ये एक पॉलीनोमियल है जिसकी डिग्री वन है, एक्स की पावर वन है यहाँ पर, सही है, तो ये कहलाएगा लीनियर फंक्शन। ठीक है, ये लीनियर फंक्शन है। लीनियर फंक्शन के बाद हम बात करते हैं एक और टाइप की, ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शन उसे कहा जाता है, आइडेंटिटी फंक्शन। अच्छा, आइडेंटिटी फंक्शन में क्या होता है
लेट्स सपोज ये एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, सही है। इसमें मैं जो भी इनपुट करूँगा वैल्यू वही हमारे पास आउटपुट पे वैल्यू आएगी, ठीक है। लेट्स सपोज मैं एक्स की जगह वन पुट करता हूँ इज इक्वल टू वन, ठीक है। एफ ऑफ वन की वैल्यू वन आई, एफ ऑफ टू की वैल्यू भी टू आएगी, सही है। जो मैं वैल्यू इनपुट कर रहा हूँ वही वैल्यू हमारे पास आउटपुट पे आ रही है। ऐसे फंक्शन को कहा जाता है आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है। जिस फंक्शन में जो इनपुट होती है वही आउटपुट आ जाए, ठीक है, तो उस फंक्शन को कहा जाता है आइडेंटिटी फंक्शन। और इसके अलावा एक और टाइप की बात करते हैं, कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन नाम से पता चल रहा है कि वो कांस्टेंट रहेगा, सही है। तो मतलब कि कोई भी ऐसा फंक्शन जिसकी वैल्यू जिस पे हम जो मर्ज़ी इनपुट करते जाएं, सही है, तो उसकी आउटपुट जो है वो कांस्टेंट ही रहे, सही है, वो चेंज ना हो। मतलब कि इनपुट के साथ उसकी आउटपुट चेंज ना हो, ऐसे फंक्शन को कहते हैं कांस्टेंट फंक्शन। मतलब कि फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए, ये एक जनरल कांस्टेंट फंक्शन है, सही है। तो हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू है, ठीक है। इसमें मैं एक्स की वैल्यू जो मर्ज़ी पुट करूँ, एफ ऑफ वन यहाँ पर एक्स है ही नहीं जिसकी जगह मैं एक्स की वैल्यू पुट कर सकता हूँ, तो ये वैल्यू टू ही आएगी। एफ ऑफ टू वो भी टू आएगी, एफ ऑफ थ्री वो भी टू आएगी, ठीक है, एफ ऑफ फोर वो भी टू आएगी। कोई भी मैं वैल्यू इनपुट करूँ आउटपुट पे मुझे टू ही मिल रहा है, ठीक है, तो मतलब कि आउटपुट चेंज नहीं हो रही। तो ऐसे फंक्शन को कहा जाता है कांस्टेंट फंक्शन। अच्छा, कांस्टेंट फंक्शन के बाद हम बात करते हैं एक और टाइप फंक्शन की, रेशनल फंक्शन, ठीक है। रेशनल फंक्शन क्या होता है, ये भी नाम से जाहिर है रेशनल फंक्शन के इसमें रेशो इन्वॉल्व होगी, ठीक है। तो रेशनल फंक्शन क्या होता है कि जिस फंक्शन में रेशो आ जाती है, फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय क्यू ऑफ एक्स, ये रेशो आ गया। पी ऑफ एक्स की रेशो किसके साथ है, क्यू ऑफ एक्स के साथ, ठीक है। तो जिसमें रेशो आ जाती है वो रेशनल फंक्शन बन जाता है। मतलब कि जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आ जाता है वो एक रेशनल फंक्शन बन जाता है, सही है। तो ये होगी अलजेब्रिक फंक्शंस की टाइप्स, सही है। अब हम आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ी होगी पहले भी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी होते हैं, सही है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या होता है कि इसमें ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व होती है, मतलब कि साइन, कॉस, टैन, कॉट, सीकेंट वगैरह, ठीक है, ये सब आ जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल वाई इज इक्वल टू साइन एक्स है, इसमें साइन आ चुका है, ठीक है, वाई फंक्शन का नाम है और साइन ट्रिग्नोमेट्री और एक्स जो है वो वेरिएबल है, ठीक है। तो ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की एग्जांपल है। इसी तरह से हो सकती है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स या टू कॉट एक्स, जो भी हम कैसे टू कॉट एक्स, सही है। तो ये भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की एग्जांपल है। तो इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी आ सकते हैं, ठीक है। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या होगा, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अच्छा, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ये होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो वैल्यूज़ हैं, साइन है, कॉट है, कॉस है, ठीक है, उसके इन्वर्स यूज़ होंगे। मतलब कि हम इसको कह सकते हैं कि वाई इज इक्वल टू साइन इन्वर्स ऑफ एक्स या वाई इज इक्वल टू टू टेन इन्वर्स ऑफ एक्स, ठीक है, ये इन्वर्स यूज़ होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ के। तो ये आ जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, ये दो टाइप्स और होगी। और उसके बाद हम देख सकते हैं एक और टाइप को फंक्शन की, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अच्छा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या होता है कि एक्सपोनेंट्स यूज हो रहे हैं, ठीक है, पावर्स आ रही होती हैं, ठीक है। लेट्स सपोज वाई इज इक्वल टू ई पावर ए एक्स, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, ठीक है।
इस तरह से और भी हो सकती हैं कि वाई इज इक्वल टू टू पावर एक्स, ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, सही। तो जिसमें एक्सपोनेंट्स यूज़ हो रहे हो वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाता है। उसके अलावा हम एक और टाइप देखते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन में क्या होता है, जिसमें लॉग यूज़ हो रहा है, जिस फंक्शन में लॉग यूज़ हो रहा है। लेट्स सपोज वाई इज इक्वल टू लॉग ए ऑफ एक्स, ये एक लॉगरिथमिक फंक्शन है, ठीक है। तो इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि एक्स इज इक्वल टू ए पावर वाई, सही है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लॉग यूज़ करेंगे दोनों साइड पे, लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए पावर वाई, और लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई लॉग ऑफ ए, सही है। तो इसमें ये लॉग यूज़ हो गया, तो ये एक लॉगरिथमिक फंक्शन है, ठीक है, ये भी और ये भी। तो मज़ीद एक और टाइप हम देखते हैं, हाइपरबॉलिक फंक्शंस। हाइपरबॉलिक फंक्शंस क्या होते हैं कि साइन हाइपरबॉलिक एक्स, साइन हाइपरबॉलिक एक्स, ठीक है, वाई इज इक्वल टू साइन हाइपरबॉलिक एक्स, ये एक हाइपरबॉलिक फंक्शन है। हाइपरबॉलिक फंक्शंस में कौन कौन से आते हैं, ये वाई इज इक्वल साइन हाइपरबॉलिक एक्स, कॉस हाइपरबॉलिक एक्स, ठीक है, तो टैन हाइपरबॉलिक एक्स, कॉट हाइपरबॉलिक एक्स। अब इनकी वैल्यूज़ क्या होती हैं ये भी देख लेते हैं साथ में। साइन हाइपरबॉलिक एक्स किसके इक्वल होता है, साइन हाइपरबॉलिक एक्स की वैल्यू होती है 1/2 ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स, ठीक है, ये हाइपरबॉलिक एक्स, साइन हाइपरबॉलिक एक्स की वैल्यू होती है। अच्छा, उसके अलावा कॉस हाइपरबॉलिक एक्स की भी वैल्यू हम देख लेते हैं, कॉस हाइपरबॉलिक एक्स इज इक्वल टू 1/2 ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स, ये प्लस हो जाएगा, सही। तो ये कॉस हाइपरबॉलिक एक्स की वैल्यू होगी, ये साइन हाइपरबॉलिक एक्स की वैल्यू होगी। यहाँ से हम टैन और कॉट की भी वैल्यू देख सकते हैं, ठीक है, टैन हाइपरबॉलिक एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा, टैन हाइपरबॉलिक एक्स इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, साइन हाइपरबॉलिक एक्स डिवाइडेड बाय कॉस हाइपरबॉलिक एक्स, सही है। टैन थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा और कॉस थीटा, इसी तरह से टैन हाइपरबॉलिक एक्स इक्वल होगा साइन हाइपरबॉलिक एक्स ओवर कॉस हाइपरबॉलिक एक्स। इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं, ठीक है, 1/2 ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1/2 ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स, सही है। तो ये वैल्यू बन जाती है साइन हाइपरबॉलिक एक्स की या टेन हाइपरबॉलिक एक्स की, ठीक है, ये 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स, सही है। तो ये वैल्यू बन गई टेन हाइपरबॉलिक एक्स की। यहाँ से कॉट हाइपरबॉलिक एक्स भी हम फाइंड कर सकते हैं, कॉट हाइपरबॉलिक एक्स इक्वल होता है कॉस हाइपरबॉलिक एक्स डिवाइडेड बाय साइन हाइपरबॉलिक एक्स के, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं साइन थीटा और कॉस थीटा, जिस तरह से हम कॉट थीटा को यूज़ करते रहे, ठीक है, पहले कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा ओवर साइन थीटा होता है, इसी तरह से कॉट हाइपरबॉलिक एक्स इज इक्वल टू कॉस हाइपरबॉलिक एक्स ओवर साइन हाइपरबॉलिक एक्स, या फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं इज इक्वल टू 1/ टैन हाइपरबॉलिक एक्स, सही है। टैन थी कॉट थीटा और टैन थीटा आपस में इन्वर्स होते हैं, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/ टैन थीटा होता है, या टैन थीटा इज इक्वल टू 1/ कॉट थीटा होता है। इसी तरह से हम कॉट हाइपरबॉलिक एक्स इज इक्वल टू 1/ टैन हाइपरबॉलिक एक्स कह सकते हैं उसको, तो यहाँ से उसकी वैल्यूज भी हम लिख सकते हैं, ठीक है, तो वो बन जाएगी, इसी को हम इन्वर्स कर देते हैं ऊपर, ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स, तो ये बन गई कॉट हाइपरबॉलिक एक्स की वैल्यू। तो अब इसमें हम सीकेंट हाइपरबॉलिक एक्स की वैल्यू भी देख सकते हैं, वो क्या होती है, सीकेंट हाइपरबॉलिक एक्स इक्वल होता है 1/ कॉस हाइपरबॉलिक एक्स के, कॉस हाइपरबॉलिक एक्स इज इक्वल टू, फिर अब ये 1/
कॉस हाइपरबॉलिक एक्स, मतलब कि कॉस हाइपरबॉलिक एक्स का इन्वर्स हो गया, ठीक है, तो वो बन जाएगा 2 ओवर e पावर x प्लस ई पावर माइनस एक्स। इसी तरह से हम कॉसिकेंट की वैल्यू भी देख सकते हैं, कॉसिकेंट हाइपरबॉलिक एक्स इज़ इक्वल टू 1 ओवर साइन हाइपरबॉलिक एक्स होता है, ठीक है। साइन हाइपरबॉलिक एक्स की वैल्यू हम पहले देख चुके हैं क्या होती है, तो उसको इन्वर्स कर दें तो आपके पास कॉसिकेंट हाइपरबॉलिक एक्स की वैल्यू आ जाएगी, जो कि है 2 ओवर e पावर x माइनस ई पावर माइनस एक्स। ठीक, तो मतलब कि हमें सिर्फ पता होनी चाहिए साइन हाइपरबॉलिक एक्स और कॉस हाइपरबॉलिक एक्स की वैल्यूज, ये दो वैल्यूज़ हमें जब याद हों तो हम बाकी वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, टैन की भी, कॉट की भी, सिकेंड की, कॉसिकेंड की, ये सब वैल्यूज़ हम इन्हीं से ड्राइव कर सकते हैं। अच्छा, इनके अलावा इनवर्स हाइपरबॉलिक फंक्शंस भी होते हैं, ठीक है, ये तो हाइपरबॉलिक फंक्शंस हमने देखे, इनके अलावा इनवर्स हाइपरबॉलिक फंक्शंस भी होते हैं। इनवर्स हाइपरबॉलिक फंक्शंस, अच्छा, इनवर्स हाइपरबॉलिक फंक्शंस किस तरह से होंगे कि जिस तरह से हाइपरबॉलिक फंक्शन क्या था, साइन हाइपरबॉलिक एक्स, इसी तरह से वो होगा साइन हाइपर इनवर्स हाइपरबॉलिक एक्स, ठीक है, साइन हाइपरबॉलिक इनवर्स ऑफ एक्स, सही है। तो ये इनवर्स हाइपरबॉलिक फंक्शन है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी वो भी देख लेते हैं। नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, सही है, ये है साइन हाइपरबॉलिक इनवर्स एक्स की वैल्यू, सही है। तो इसी तरह से कॉस हाइपरबॉलिक इनवर्स ऑफ एक्स, उसकी भी वैल्यू है, ठीक है, वो है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, सही है। तो ये बन गई साइन हाइपरबॉलिक एक्स और कॉस हाइपरबॉलिक एक्स की वैल्यू, हमने देखी यहाँ से आप टैन हाइपरबॉलिक इनवर्स एक्स की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, कॉट की भी, सिकेंड की भी और कॉसिकेंड की भी। अच्छा, इसके आगे हम चलते हैं कि एक और टाइप होती है फंक्शंस की, एक्सप्लिसिट फंक्शन, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक है, एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट फंक्शन, एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट फंक्शंस कौन से होते हैं। देखिए, एक्सप्लिसिट वो फंक्शंस होते हैं कि हम डायरेक्टली एक्स को वाई के साथ जो है एक्स मतलब कि इनपुट और आउटपुट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, मतलब कि वाई इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है, अगर हमें एक्स पता हो तो हम डायरेक्टली वाई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं यहाँ पर। तो इम्प्लिसिट में क्या होता है, ये इसमें एक्सप्लिसिट में तो वाई और एक्स जो है वो सेपरेट है, ठीक है, तो इम्प्लिसिट में क्या होता है कि आपके पास जो है एक्स और वाई दोनों, मतलब कि आउटपुट भी और इनपुट भी दोनों मिक्सचर उनका होता है, ठीक है, मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2, ये एक फंक्शन है, सही है। तो ये इसमें एक्स और वाई जो है इनपुट और आउटपुट दोनों उनका मिक्सचर है, सही है, तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन बन जाता है, जिसमें टोटली सेपरेट हो वो होता है एक्सप्लिसिट फंक्शन, और जिसमें मिक्सर हो वो होता है इम्प्लिसिट, ठीक है, जिसमें सेपरेट हो वो एक्सप्लिसिट और जिसमें मिक्सर हो दोनों का इनपुट और आउटपुट का वो इम्प्लिसिट फंक्शन बन जाता है। अच्छा, एक और फंक्शन होता है पैरामीट्रिक फंक्शन, ठीक है, पैरामीट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, पैरामीट्रिक फंक्शन, अच्छा, पैरामीट्रिक फंक्शन में होता है कि आपके पास उसमें पैरामीटर्स इन्वॉल्व होते हैं, टी पैरामीटर उसको कहा जाता है, ठीक है, जिसमें एक्स इज़ इक्वल टू ए टी स्क्वेयर, यहाँ पर टी पैरामीटर यहाँ पर इन्वॉल्व है, ठीक है, तो इस फंक्शन को कहा जाता है पैरामीट्रिक फंक्शन। इसी तरह से हम वाई इज़ इक्वल टू ए टी, ये भी एक पैरामीट्रिक फंक्शन है, या फिर एक्स इज़ इक्वल टू ए कॉस टी, सही है, ये भी पैरामीट्रिक फंक्शन है, टी या थीटा जो है वो एक पैरामीट्रिक फंक्शन बनता है, ठीक है, तो वाई इज़ इक्वल टू बी साइन ऑफ थीटा, ये भी एक पैरामीट्रिक फंक्शन है, तो थीटा और जो है टी, ये दो पैरामीटर्स होते हैं, सही है, तो जिस फंक्शन में ये दोनों आ जाएं उसको कहा जाता है पैरामीट्रिक फंक्शन।
अच्छा, अब इसके अलावा अब इवन और ऑड की बात करते हैं कि ये इवन फंक्शन क्या होता है और ऑड फंक्शंस क्या होते हैं। इवन फंक्शंस में देखें, अगर लेट्स सपोज हमें कोई फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू समथिंग एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है, ये एक फंक्शन है। तो अगर इसमें मैं चेक करना चाहूँ कि ये इवन फंक्शन है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि इसमें नेगेटिव वैल्यू पुट करके देखें, माइनस एक्स पुट करके देखें, तो हमारे पास रिजल्ट में भी रिजल्ट में चेंज नहीं आना चाहिए, ठीक है, दोबारा से हमारे पास एफ ऑफ एक्स बन जाए, ठीक है। मतलब कि एफ ऑफ माइनस एक्स शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, सही है, ये होना चाहिए। ये कंडीशन है किसकी, इवन फंक्शन की, इवन फंक्शन। तो इवन फंक्शन क्या होता है, जिसमें एफ ऑफ माइनस एक्स नेगेटिव ऑफ जाएंगे इनपुट हम पुट करें, फिर भी हमारे पास दोबारा से वही रिजल्ट आए, ठीक है, वही फंक्शन हमारे पास बन जाए, तो वो इवन फंक्शन होता है। जिस तरह से ये मैंने एग्जांपल लिखी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसमें मैं एफ ऑफ माइनस एक्स पुट करता हूँ तो क्या होता है, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। तो इसको सॉल्व करें तो क्या बन जाता है, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर बन जाएगा प्लस वन, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वन किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स के, तो ये हो गया एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, सही है, ये एफ ऑफ एक्स है और ये यहाँ से एफ ऑफ माइनस एक्स आ गया, तो ये एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ गया। तो उसका मतलब ये है कि ये एक इवन फंक्शन है, ठीक है, इवन फंक्शन है। तो ऑड फंक्शन क्या होता है, ऑड फंक्शन ये होता है, इसके ऑपोजिट होता है, ठीक है, कि अगर हम पुट करें एफ ऑफ माइनस एक्स तो वो बराबर आए माइनस एफ ऑफ एक्स के, सही है। तो इस तरह से होना चाहिए कि हम नेगेटिव इनपुट पुट करें तो उससे क्या होना चाहिए कि नेगेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स बन जाए, सही है, नेगेटिव ऑफ दैट फंक्शन बन जाए। जिस तरह से एग्जांपल हम देखते हैं, लेट्स सपोज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब है अगर, ठीक है, एक्स क्यूब, तो यहाँ पे मैं पुट करता हूँ एफ ऑफ माइनस एक्स, माइनस एक्स पुट करके देखते हैं, तो ये बन जाएगा माइनस एक्स का क्यूब, जो कि बन जाएगा एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब, ठीक है। तो ये एक्स क्यूब क्या चीज़ है, एक्स क्यूब बराबर है एफ ऑफ एक्स के, तो ये बन जाएगा माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स, ठीक है, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, ये कंडीशन होती है ऑड फंक्शंस की, ठीक है। तो ये हो गया ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन, तो ये ऑड फंक्शन है, सही है, ये एग्जांपल है ऑड फंक्शन। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन पार्ट टू भी ख़त्म होता है, ठीक है, हमने इवन ऑड फंक्शंस भी देख लिए, बाकी टाइप्स भी हमने देखी फंक्शंस की, सही है। तो ये यहाँ पर इंट्रोडक्शन पार्ट टू भी ख़त्म होता है।